नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। अम्बा प्रयागराज के नैनी में रामनारायण कथा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें अम्बा की बेटी राधा शर्मा को आमंत्रित किया गया। बिटिया ने आमंत्रण स्वीकार कर प्रयागराज में रामायण पाठ आयोजन में हिस्सा लिया। अम्बा की बेटिया ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपनी वाणी से सभी श्रोतागण और धर्म गुरुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बिटिया राधा की वाचन शैली इतनी मधुर है एवं रस भरी है कि बिटिया के पाठ को सुनने वाले श्रोता बड़े ध्यान मग्न होकर पाठ का आनंद लेते हुए दिखे। बिटिया का बचपन बरसाने में ही गुजरा है और सारी दीक्षा बरसाने में रहकर ही प्राप्त की है। बैठकर के सुन रहे हैं, ये सरकार की कृपा है। जैसे ही कृपा हुई, चरण रज का स्पर्श शिला को हुआ, नारी के रूप में परिणत हो गई, हाथ जोड़ करके खड़ी है। मुनि श्राप जो दीना अति फल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। यदि मुनि ने श्राप नहीं दिया होता तो शायद मुझे आज आपका दर्शन प्राप्त नहीं होता। सरकार ने कृपा की और कृपा करने के बाद आगे की तरफ बढ़े। लीला गणित होने वाली है क्या? बोले परनव राम विवाह समाजो, सो मुद मंगलमय ऋतु राजू। सरकार का विवाह, सिया राम जी का विवाह वसंत ऋतु की तरह, तो चलते उस विवाह लीला की तरफ। बड़ा सुंदर दर्शन, मिथिला नगरी है और आज विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के बैठे हुए हैं, आदेश करते हैं राम जी के लिए। कहते हैं गुरुदेव, समय जानी गुरु आय सुभागी, समय जानी गुरु आय सुभागी, समय जानी गुरु आय सुभागी, समय जानी गुरु आय सुभागी। अम्बा से खबर समय जगत के लिए ओमकार गुर्जर की रिपोर्ट।